हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जय श्री स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम पफ स्लीव का डिज़ाइन तैयार करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने ये दोनों आस्तीन का फैब्रिक ले लिया है, तो साथ में मैं दोनों आस्तीन का कटिंग करूँगी। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, इस प्रकार से मैंने बॉटम में इस प्रकार से सीधी लाइन खींच दी है। अब देखिए, यहाँ पर हम 10 इंच पर मार्किंग करेंगे इस प्रकार से। सेम मार्किंग हम ऊपर की तरफ भी कर लेंगे। अब यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच देंगे इस प्रकार से। तो देखिए, ये जो कपड़ा है ना, ये ऑर्गेंजा है, तो ये थोड़ा सा इधर उधर फिसलता है, तो यहाँ पर हम एक एक पिंस लगा देंगे यहाँ पर इस प्रकार से, ताकि ये जो कपड़ा है इधर उधर फिसलेगा नहीं। अब देखिए, यहाँ पर मुझे बॉटम में इस तरह से बॉर्डर अटैच करना है। तो बॉर्डर ये 5 इंच, तो ये तैयार होकर 4 इंच की हो जाएगी। अब हमारी जो स्लीव की लंबाई है वो 9 इंच है, तो 4 इंच छोड़ के हम यहाँ पे 5 इंच हमारा ऊपर का पफ रहेगा, ठीक है। अब 5 इंच में हम 1 इंच प्लस करेंगे सिलाई मार्जिन का, और 6 इंच पर मार्किंग कर लेंगे इस प्रकार से। अब देखिए, ऊपर की तरफ यहाँ पर हमें 2 से 2.5 इंच का कपड़ा चाहिए रहता है, 2.5 या 3 इंच भी आप ले सकते हैं अगर आपके पास एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो। यहाँ पर मेरे पास ज़्यादा फैब्रिक नहीं है, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 1.5 इंच लिया है एक्स्ट्रा ऊपर की तरफ। आपके पास अगर ज़्यादा फैब्रिक है, एक्स्ट्रा पर्याप्त है, तो आप 2.5 से 3 इंच तक ले सकते हैं, ठीक है। अब इतना हो जाने के बाद ये जो 10 इंच हमने लिया, इसको छोड़ के हमें यहाँ पे आस्तीन का पैटर्न रेडी कर लेना है। तो मोरी का मार्किंग करेंगे 5.5 इंच पर, 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन का। अब इस तरह से टेप रखेंगे तिरछा, और हम यहाँ पे आर्म होल का मार्किंग करेंगे 7.25 इंच पर, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन का। तो ऊपर से स्लीव की कैप हाइट मैंने 3.5 इंच रखी है, तो इस प्रकार से अभी निशानों को इस तरह से मिला देंगे। अब ऊपर की तरफ देखिए, हम इसको भी मिला देंगे। अब यहाँ से हम आस्तीन की गोलाई देंगे। तो देखिए, आस्तीन का हमने यहाँ पे पैटर्न रेडी कर लिया। अब यहाँ से हम इसकी इस तरह से कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर एक कट लगाएंगे, नीचे की तरफ भी कट लगाएंगे, और साइड से भी इसको कपड़े को एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। सेंटर में एक कट लगाना है। अब यहाँ पर मैंने दोनों आस्तीन का कटिंग किया था, तो एक आस्तीन मैं आपको यहाँ पर रेडी करके दिखाऊँगी, ठीक है। तो देखिए, इस प्रकार से मैंने इसको सीधा खोल दिया है। अब सबसे पहले मैं बॉटम की तरफ प्लेट्स डालूंगी, तो जहाँ पर मैंने कट लगाया हुआ है वहाँ से हम प्लेट्स डालना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, इस प्रकार से 1/2 इंच चौड़ी हमें प्लेट्स डालनी है। तो देखिए, यहाँ पर एक कट लगा है, यहाँ तक मैंने ये प्लेट्स डाली हैं। अब इतना हो जाने के बाद हम यहाँ पर धागे को कट कर लेंगे, और अब हम यहाँ पर अपना मोरी चेक करेंगे। तो जितना आपका मोरी है उतना आप चेक कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से देखिए, यहाँ पर हमारी जो मोरी है 5.5 इंच है। तो देखिए, 5.5 इंच यहाँ पर आ रहा है, 1.5 इंच ये सिलाई मार्जिन का, और एक्स्ट्रा यहाँ पर कपड़ा बच रहा है। तो देखिए, हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों तरफ जो है ना, इस प्रकार से छोटी छोटी प्लेट्स डाल देंगे। तो देखिए, एक तरफ की मैं यहाँ पे प्लेट्स डाल रही हूँ इस प्रकार से, और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। अब इसी प्रकार से हम दूसरे साइड भी 2 प्लेट्स डाल देंगे इस प्रकार से। तो देखिए, बॉटम की तरफ हमारी जो प्लेट्स है ये कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद देखिए, हम यहाँ पे बॉर्डर लेंगे, और बॉर्डर को हम सीधा करके रखेंगे, ठीक है। उल्टी सीधी साइड आपको देख लेना है। अब देखिए, सीधी साइड के ऊपर सीधी साइड रखते हुए आस्तीन को इस प्रकार से रखेंगे, और यहाँ पर हम 1/2 इंच की दूरी से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, इस प्रकार से 1/2 इंच की दूरी से सिलाई लगानी है। तो देखिए, हमने इस प्रकार से सिलाई लगा दी है। अब इसको सीधा कर लेंगे। अब देखिए, बॉटम में हमें बॉर्डर के साथ साथ अस्तर भी अटैच कर लेना है, तो अस्तर लेंगे और इस प्रकार से उसके ऊपर रखेंगे इसको, आस्तीन को। और यहाँ पर देखिए, हम 1/2 इंच की दूरी से एक सिलाई और लगा देंगे। तो देखिए, इस प्रकार से यहाँ पे अस्तर अटैच कर लेना है। अब इसको हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद ऊपर से हम दबाव के लिए एक सिलाई और लगा देंगे। तो देखिए, इस प्रकार से हमें टॉप स्टिच लगा लेना है। अब इसको सीधा करेंगे, और देखिए यहाँ पर हम अपने आस्तीन को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे अंदर की तरफ, और इस प्रकार से अस्तर और बॉर्डर को देखिए पकड़ते हुए हमें यहाँ पे 1/2 इंच की दूरी से एक सिलाई लगा लेनी है।
फ्रेंड्स, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, सिलाई हमने यहाँ पे लगा दी है, अब इसको हम यहाँ पे पलट के सीधा कर लेंगे। तो देखिए, आस्तीन को हमने इस प्रकार से सीधा कर लिया। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर हम इसको बराबर कर लेंगे, बॉटम की तरफ अच्छे से यहाँ पे सीधा कर लेना है, और ऊपर से देखिए बॉटम में हमें सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए, बॉटम में हमने सिलाई लगा दी है, और अब आस्तीन को इस तरह से फोल्ड करेंगे, और यहाँ पर हम मोरी का मार्किंग कर लेंगे। 5.5 इंच मोरी है तो 5.5 इंच पर मार्किंग करेंगे, और 1.5 इंच लेंगे सिलाई मार्जिन का। अब जो एक्स्ट्रा यहाँ पे पट्टी दिख रही है तो इसको यहाँ से हम कट कर लेंगे। देखिए, पट्टी को हमने कट कर लिया। अब इसके बाद देखिए, मैं यहाँ पर आर्म होल को और थोड़ा सा 1/2 इंच नीचे की तरफ डाउन कर लूँगी इस प्रकार से, और यहाँ पर आर्म होल पे एक कट लगाएंगे। अब इतना हो जाने के बाद देखिए, हमें ऊपर की तरफ भी प्लेट्स डालनी है, तो हमारी जो प्लेट्स है ये अपोजिट साइड रहेगी। तो इस प्रकार से देखिए, जो हमने कट्स लगाए थे वहीं से हमें प्लेट्स डालना स्टार्ट करना है दूसरे कट तक, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए, हमें 1/2 इंच की यहाँ पर प्लेट्स डालनी है ऊपर की तरफ भी। तो देखिए, दूसरी तरफ जो कट लगा है वहाँ तक मैंने प्लेट्स डाले। अब फिर से हम आस्तीन को इस तरह से फोल्ड करेंगे, और देखिए यहाँ पर आर्म होल चेक कर लेंगे। आर्म होल हमारा 1.75 इंच, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारा कपड़ा और बच रहा है, इस प्रकार से इतना कपड़ा यहाँ पे एक्स्ट्रा है। तो देखिए, यहाँ पर भी हमें इस प्रकार से छोटी छोटी प्लेट्स डालनी है, तो इस तरफ मैं 2 प्लेट्स डालूँगी और दूसरी तरफ 2। तो इस प्रकार से देखिए, हमें अगर यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक बच जाता है तो दोनों तरफ आप इस प्रकार से प्लेट्स डाल सकते हैं, और अपना आर्म होल चेक करके यहाँ पे आपको प्लेट्स डालनी है, ठीक है। तो जिस तरह हमने बॉटम में प्लेट्स डाली थी उसी प्रकार से यहाँ पर भी प्लेट्स डाल देना है। अब यहाँ से जो धागे वगैरह दिखते हैं उनको कट कर लेंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे कितना अच्छे से यहाँ पे पफ स्लीव बन के रेडी हो गया है। पहनने के बाद ये बहुत ही सुंदर दिखता है। तो इस डिज़ाइन को आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि कैसे बना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, मैंने इसको ब्लाउज में भी अटैच कर लिया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।